नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का एग्ज़ाम, जिसका पोस्ट कोड था 825 और सुबह कंडक्ट किया गया था ये एग्ज़ाम, दैट इज़ 10th of April 2021 में। तो इस वीडियो में हम जितना भी इंग्लिश का पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, साथ में हिंदी प्लस HPGK प्लस हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस रीजनिंग का पार्ट सारा डिस्कस करके बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे है सबसे पहले हमारा HPGK का सेक्शन, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत्स। हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑब्वियसली जहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी, ग्राम पंचायत भी वहीं पे सबसे ज़्यादा होंगी। सही आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, दैट इज़ कांगड़ा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ डॉक्टर YS परमार अवार्ड इन हिमाचल संस्कृत लिटरेचर वॉज। हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य में डॉक्टर YS परमार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो कौन थे ये मियाँ गोवर्धन सिंह जी जो थे फर्स्ट YS परमार अवार्ड के रिसिप्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, फेमस नैना देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो नैना देवी टेम्पल है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये पड़ता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, पड़ता है नैना देवी टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस तहसील में टुंडा वन जीव अभयारण्य स्थित है? तो ये है भरमौर के अंदर स्थित है, और भरमौर कहाँ है? तो हमारा चंबा के अंदर है, तो भरमौर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, सांगला वैली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सांगला और बसपा आपने दोनों ने सुना होगा, तो ये कहाँ पे है? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। जो सांगला घाटी है वो किन्नौर ज़िले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97, दशहर लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में दशहर झील स्थित है? तो आपने सुनी होगी कुल्लू की दो फेमस झीलें हैं, दैट इज़ भृगु एंड दशहर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कुल्लू इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 98 इज़, लदारचा फेयर इज़ सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में लदारचा मेला मनाया जाता है? तो ये लाहौल स्पीति के काजा में एक जगह है, वहाँ पर लदारचा फेयर जो है वो मनाया जाता है। तो अभी तक लाहौल स्पीति से सिर्फ 3-4 फेस्टिवल पूछे जाते थे, फॉर एग्जांपल लोसर हो गया जो न्यू ईयर पे आता था, हाल्डिया हो गया जो दिवाली पे आता था, गोची फेस्टिवल पूछ लिया जाता था जो कि चंद्र और भागा वैली में है। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन पूछा गया था, तो सही आंसर आप देख लेना इसका, लाहौल स्पीति बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फेमस पर्सनैलिटी सत्यदेव भूषरी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले से प्रसिद्ध व्यक्तित्व सत्यदेव भूषरी संबंधित है? तो ये शिमला इसका सही आंसर हो जाएगा, शिमला से संबद्ध है सत्यदेव भूषरी का। नेक्स्ट इज, सुकेत प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। सुकेत प्रिंसली स्टेट किसने फाउंड किया था? आंसर इसका हो रहा था बीरसेन, हालांकि बीरसेन ऑप्शन में नहीं दिया था, दैट्स वाई नन ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही होना आंसर होना था। अच्छा, अगर सुकेत स्टेट की बात की जाए तो ये कौन सी रियासत में पड़ती थी सुकेत जो थी? तो ये सिंपली हमारे जो सुंदर नगर है बनेड़, जिस नाम से जिसको जाना जाता है, वहाँ पर थी सुकेत। अगर इसके बोला जाए कि इसको फाउंड किसने किया था, तो वीर सेन ने इसको फाउंड किया था। अच्छा, ऑप्शंस में बाकी भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बाहू सेन हो गया, अजबर सेन, तो बाहू सेन ने जो था वो जो हमारी मंडी रियासत थी, ध्यान रखना मंडी रियासत के संस्थापक थे बाहू सेन, बट जो हमारा मंडी शहर था उसके संस्थापक थे हमारे अजबर सेन। ठीक है, तो ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनको भी आप ध्यान में रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच दिल्ली सुल्तान टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट एंड मेड इट हिज ट्रिब्यूटरी। किस दिल्ली सुल्तान ने सिरमौर राजसी राज्य को नियंत्रण में लिया और अपने सहायक के रूप में बनाया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट 102, यूनाइटेड सर्विस क्लब US क्लब वॉज फाउंडेड एट शिमला इन विच ईयर। शिमला में किस वर्ष यूनाइटेड सर्विस क्लब की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1844 AD जो था वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो जस्टिस TBR टाटाचार्य जो थे वो थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त। 104 इज, वट इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ किलर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? इस क्वेश्चन को ध्यान में देखना, मैक्सिमम जितने भी लास्ट में 6-7 पेपर्स हुए हैं उसमें पक्का ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम नहीं है पर ये एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ज़रूर पूछी जा रही है। तो एक वीडियो आपको विद इन 2 या 3 डेज के अंदर मैं लाऊंगी जिसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज ही दी होंगी और विद अ ट्रिक हम उसको याद करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे किलर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो HPSEV बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट इज, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन इज लोकेटेड इन विच प्लेस? तो ये सासन में मिल जाएगा, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है सासन, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज, माला फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये किन्नौर में जो है वो गारलैंड और माला लोक नृत्य परफॉर्म किया जाता है। अगले क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 107 इज, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास्ड अ कॉन्ट्रोवर्शियल 20th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? किस देश के ने अभी हाल में विवादास्पद 20वें संविधान संशोधन को पारित किया? तो श्रीलंका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 108 इज, GEM दैट इज़ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल हैज़ बीन रिसेंटली इंटीग्रेटेड विद विच पोर्टल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल पब्लिक प्रोसीजर पोर्टल, CPPP इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली गिवन कंप्लीट अप्रूवल फॉर यूजिंग एंटीवायरल ड्रग रेमेडीज टू ट्रीट COVID-19? तो सही आंसर इसका हो जाएगा USA, USA इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच कंट्री रिकॉर्डेड हाईएस्ट एयर पॉल्यूशन एक्सपोजर ग्लोबली इन 2019 एज पर स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट? तो इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा और इंडिया में भी जो दिल्ली है हमारा वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड यूटी के नाम से ही जाने जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, अभी जो करंट अफेयर है हमारा मार्च का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा सही रहने योग्य सिटी कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। इसके साथ ही हमने एक और सीरीज़ शुरू की है करंट अफेयर की, तो आपको एक दिन के करंट अफेयर के लिए सिर्फ 5 मिनट की वीडियो देखनी है और 5 मिनट के अंदर आपका एक दिन का करंट अफेयर जो है वो बिल्कुल आपका कवर किया जाएगा। नेक्स्ट जो है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम इन 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स? सही आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। आगे हमारे पास पार्ट है रीजनिंग का। रीजनिंग क्वेश्चन में थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी, मतलब आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था रीजनिंग में। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ जूस इज़ कोडेड एज दिस देन टॉय इज़ कोडेड एज। तो आपको पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया जाएगा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखोगे, कहते कि जूस का कोड दिया था 1941-1759। तो अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखोगे तो जो जे है हमारे पास उसकी पोजीशन देखो, ABCDEFGHIJ, उसकी 10th पोजीशन आएगी जे की, राइट। यू की 21 पोजीशन आएगी, आई की 9 पोजीशन आएगी, सी की 3 पोजीशन आएगी और ई की जो है वो 5 पोजीशन आएगी। तो लॉजिक ये लगाया गया था कि जो भी पोजीशन आएगी उसमें से एक डिजिट आपको कम करना है और वही डिजिट दोनों को प्लस करके जो नेक्स्ट डिजिट बनेगा वही आपका जो था वो आंसर था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 पोजीशन है जे की, तो 10
माइनस एक नाइन आएगा, तो जो भी ए आया नाइन, टेन प्लस नाइन जो है वो 19 होता है। यहाँ पे यू की 21 पोजीशन थी, तो 21 माइनस वन 20 आया, तो इन दोनों को प्लस कर दो 41 आ जाएगा। सेम 9 प्लस 8 करना था, 3 प्लस 2 5 प्लस 4 करना था। ये था लॉजिक, तो हमें समझ आ गया। अब बात करते हैं ट्वाय की। तो ट्वाय में अगर हम सिंगल सिंगल जो करेक्टर है उसको भी सॉल्व कर देते तब भी हमारा आंसर आ जाना था। फॉर एग्जांपल अगर आप टी की पोजीशन देखते, टी की पोजीशन है यहाँ पे 20 है, टी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी 20 प्लेस पे आता है। अगर आप इंग्लिश में, अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में इसको देखोगे, ठीक है, तो 20 प्लस माइनस वन दैट इज़ 19, 20 प्लस 19 को आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30, एंड 30 इज़ द राइट आंसर। ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सीरीज़ दी गई थी, नंबर सीरीज़, और इसको फिलअप करना था। थोड़ी सी ये भी टिपिकल थी, टाइम कंज्यूमिंग था, ज़्यादा नहीं तो लॉजिक लगाते लगाते 2-4 मिनट का टाइम इसमें ज़रूर मतलब कंज्यूम हुआ होगा। तो इस सीरीज़ को भी देख लेते हैं। 7 है, 8 है, 18 है, 57 है, देन क्वेश्चन मार्क है, देन 18, 65 है। ओके, तो ये है सॉल्व्ड क्वेश्चन यहाँ पर। वन मिनट। तो यहाँ पर 7, 8, 18, 57 और आगे क्वेश्चन मार्क लगाया था। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे, जैसे ए पे हमने ए लिख लिया, बी पे हमने, एट पे हमने बी, देन सी डी ई और एफ। अगर आप सबसे पहले देखोगे तो सिंपल लॉजिक लगाया गया है, ये देखो, ये मैंने लॉजिक लगाया है। पहले आपने सिंपल ए लिख देना है, लिख दिया। नेक्स्ट जो आपकी टर्म होगी उसमें आपने कर देना है ए मल्टीप्लाई वन प्लस वन। तो यहाँ पे कर दिया हमने ए मल्टीप्लाई वन, दैट इज़ 7 प्लस वन कितना हो गया 8। नेक्स्ट में भी यही करना है हमने। अब ए हमारा ख़त्म हो गया, बी पर जाएंगे, तो बी जो है वो सेकंड टर्म है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो बी मल्टीप्लाई टू प्लस टू। सी में जाएंगे, सी थ्री है, सी मल्टीप्लाई थ्री प्लस थ्री। डी में जाएंगे, डी फोर है, डी मल्टीप्लाई फोर प्लस फोर। ऐसे अगर हम करते तो हमारा आंसर आ जाना था सही 232। तो ये थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन था, चलो फिर भी अच्छा खासा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मिसिंग टर्म हमने यहाँ पे ढूंढनी थी कौन सी मिसिंग टर्म है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाना होता है प्रॉपर। ये सीक्वेंस जो बनना था, ये बनना था बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होना था यहाँ पर। नेक्स्ट इज रीचिंग द प्लेस ऑन मीटिंग ऑन ट्यूसडे 15 मिनट्स बिफोर 8:30 आवर्स। अक्षत फाउंड हिमसेल्फ हाफ एन आवर अर्लियर दैन द मैन हु वॉज 40 मिनट्स लेट। वट वॉज द शेड्यूल टाइम ऑफ द मीटिंग। कहते कि किसी मीटिंग का शेड्यूल टाइम बताना है। इसमें बताया गया है कि जो अक्षत था वो 15 मिनट्स जो था वो पहले पहुँच गया था। इट मीन्स वो 8:15 पर पहुँच गया होगा, पर बताया जा रहा कि जो अक्षत है वो आधे घंटे पहले पहुँचा था उस आदमी के, जो कि 40 मिनट देर से पहुंचा था। तो ये क्वेश्चन सिंपल भी यहाँ पे सॉल्व हो सकता था कि आपको टाइम डिफरेंस देखना था। टाइम डिफरेंस कितना था यहाँ पे, 10 मिनट्स का था टाइम डिफरेंस। अगर 10 मिनट्स का टाइम डिफरेंस भी लगाते तब भी आंसर आ जाना था। फिर भी इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखो, रीच्ड कब पहुंचा वो 15 मिनट बिफोर, मतलब 8:30 के 15 मिनट बिफोर। दैट मीन्स कि वो 8:15 पर पहुंचा होगा, राइट। 8:15 पर वो पहुंचा, तो उसने बोला कि मैं 30 मिनट जो था वो जल्दी पहुंच गया था उस लड़के के, जो कि 40 मिनट लेट पहुंचा था। तो अगर वो 30 मिनट लेट पहुंचता तो कितने पे पहुंचता वो, 8:45 पे। सेम कंडीशन पे अगर इसको लेख के चलते कि 40 मिनट लेट पहुंचता तो वो 8:55 पे पहुंचता, राइट। बट 8:55 पे ये तब पहुंचता क्योंकि 40 मिनट्स लेट था मीटिंग शेड्यूल से। दैट्स वाई 40 अगर हम माइनस कर देते हैं इससे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8:15, एंड दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, ये थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन था, इसका सही आंसर हो जाएगा वाइफ। नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट है, एंशियंट हिस्ट्री का, विच प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक सिस्टम। ऋग्वेद सही आंसर होगा इसका। देन बुद्धिज़्म मेड एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन विच सोसाइटीज़, वॉरियर एंड ट्रेडर्स, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। 119 इज़ द फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच माइंस, किस खदानों से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। तो गोलकोंडा इसका सही आंसर होगा। देन वट डू यू मीन बाय मुगल जागीर,
मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा, दैट इज गिविंग ऑफिसर अ राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू, अधिकारी को राजस्व संग्रह करने का अधिकार देना। नेक्स्ट इज किस वट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय द वायसराय प्रोब, मतलब कि जो हंटर कमीशन था वो किस दुर्घटना के बाद जो था वो कमीशन किया गया था? तो ये जलियांवाला बाग जो है वो सही आंसर होगा इसका। देन विच वॉज नॉट अ मेम्बर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इसके मेंबर नहीं थे। अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए कि ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अध्यक्ष कौन थे, तो ये बी आर अम्बेडकर इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु वॉज द कस्टडियन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। इन विच ईयर हाउस ऑफ पीपल वॉज नेम्ड एज लोकसभा, किस वर्ष में हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था? तो 1954 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ मच पार्ट ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस इज डेजर्ट, 1/3 पार्ट है। नेक्स्ट इज डेलिक्वेंसेस राइजेज, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज ऑन विच डेट डज द इंडिया एक्सपीरियंस इज द शॉर्टेस्ट डे, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है, कौन से डे को मनाया जाता है, तो 22nd of December सही आंसर हो जाएगा। अगर लॉन्गेस्ट डे इसमें पूछा जाए तो लॉन्गेस्ट डे होगा हमारा 21st of June। विच रिवर फॉर्म्स एस्चुरी, नर्मदा रिवर जो है वो एस्चुरी फॉर्म करती है, बाकी जो महानदी कावेरी और कृष्णा है ये बे ऑफ बंगाल में जाती है और एक डेल्टा बनाती हैं, बट नर्मदा जो है वो अरेबियन सी में जाती है और एक एस्चुरी बनाती है। देन विच कैनाल इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, अगर आपको कैनाल का आइडिया नहीं था तो आप थोड़ा सा अगर आपको ग्राउंड्स का भी पता है, क्रिकेट का शौक रखते हैं, तो यहाँ पे ईडन गार्डन बहुत फेमस है जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो ईडन कैनाल जो है वो सही आंसर हो जाना था। 130 जो था वो पॉलिटिकल साइंस से था क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइजेज व्हेन देयर इज अ जनरेशन डाउनटर्न इन बिजनेस एक्टिविटीज नॉन एज, तो इसको बोला जाता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज विच इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमन, तो विटामिन के आंसर हो जाएगा इसका। देन नेक्स्ट इज वाटर शुड नॉट बी यूज इन एक्सटिंग्विश फायर बिकॉज बाय इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट विच एसिड इज़ फाउंड इन विनेगर, कहते कि विनेगर में कौन सा अमल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड इसका सही आंसर होना था, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा क्योंकि एसिटिक एसिड ऑप्शन में नहीं दिया गया था। एंटोनियन ऑफ फ्रेल्टी का एंटोनियन पूछा गया था, अच्छा फ्रेल्टी का मीनिंग अगर पता हो तो फ्रेल्टी का मीनिंग होता है वीक, वीक ठीक है, जो कमज़ोर इंसान होता है उसको फ्रेल्टी बोलते हैं, तो इसका एंटोनियन अपोजिट हो जाएगा स्ट्रेंथन। द नेक्स्ट इज बहुत इजी सा था, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कई बार बहुत टफ पूछ लिया जाता है, द वर्ड विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, तो ऑब्सोलेट होगा इसका। शी डैश हर ग्रैंडफादर टेक्स ग्रैंडफादर शी हैज़ ब्लू आइज, टेक्स आफ्टर सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट इज ईडियम और फ्रेजेस में से क्वेश्चन था, टू प्ले फास्ट एंड लूज, तो मतलब टू बी अनडिपेंडेंट, टू बी अनडिपेंडेबल। सप्तग्रह में समास पूछा गया था, तो सप्तग्रह मतलब सात ग्रहों का समूह को हम सप्तग्रह बोलेंगे। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा द्विगु समास में आती है, हालांकि द्विगु समास यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, तो बहुब्रीहि भी इसका एक अल्टरनेट हो सकता है। शक्ति में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ती प्रत्यय लगा है शक्ति में। नेक्स्ट इज अपमान का पर्यायवाची शब्द है, अपमान का पर्यायवाची शब्द होगा अपमानना। देन धरती पर रहना मुहावरे का अर्थ, धरती पर रहना मुहावरे का अर्थ होगा कि अभिमान ना करना। तो गाइस ये थी वीडियो, आपको एक वीडियो में ही मैंने सारे सेक्शंस कंप्लीट करवा दिए एक्सेप्ट जो सब्जेक्ट वाला मटेरियल था उसको छोड़ के। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।